अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार आ गया मैं बाहर। आज है सेकंड डे, ठीक है। अभी कपड़े वगैरह बदलने हैं और आर्मी का टेस्ट भी है वो भी देना है, उसके अलावा यूनी का टेस्ट भी है वो भी देना है। बाकी आपको थोड़ी बहुत सोसाइटी भी खाता हूँ मैं। पीछे देखें माशाल्लाह अभी बन रही है, ठीक है। अभी इतनी नहीं बनी लेकिन पीछे बन रही है। आज आपको थोड़ी एक्सप्लोर करता हूँ। फ्यू मोमेंट्स लेटर ना सही ना चेक करें। हमारा एक फ्रेंड है, ये सबसे पहले देखें हम घर से बाहर आए हैं। अभी बन रही है, अभी फुल नहीं बनी है लेकिन हैवी सीन है फुल। और साइड पे यहाँ पे खाली जगह जहाँ पे यहाँ कोई चीज़ बनी होती और इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज ही होगी क्योंकि ये एक्स से बन रहा है ब्लॉक, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन भी होगी इसकी। अभी हम इधर फाइंड करने जा रहे हैं कोई हमें खाने पीने वाली दुकान शुकान या कोई इस तरह की जगह मिले मुले जहाँ पे हम फिरे। रात के हम कमरे के अंदर थे फुल। उस तरफ हम जाते हैं भाई। बुरहान चक्कर लगा के आया कल। अब पता नहीं इसको पता है कि नहीं, दुकानों का मुझे तो नहीं था पता। अब हम सीधा जाएंगे वहाँ, देखेंगे कोई है तो फिर हम वहाँ पे जाएंगे। ओके अभी प्यारी है यार। आपको थोड़ी बहुत सोसाइटी दिखा रही है, ठीक है। तो अभी सूरज के उस तरफ होता फिर ज़्यादा लाइट आनी थी, मैं पीछे हूँ। तो ये है दोस्तों सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट प्लेस। हम आ गए हैं रोड पे। यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलानी सीख लो या कुछ हैवी सीन काट लो। उसके बाद अभी बन रही है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बन गया। अब बिल्कुल स्लिम रोड है। जैन मुबीन और अंस गए हैं यार नाश्ता लेने, ठीक है। बहुत भूख लग रही है और अभी मेरा पेपर भी शुरू हो जाना है। कोई अभी टाइम हुआ 9:45 का, ठीक है। पेपर मेरा स्टार्ट होना है तकरीबन 11 बजे, ठीक। और तब मैंने पेपर देना, अभी नाश्ता करना, उसके बाद मैंने पेपर देते सारी 2 घंटे बाद मैंने आर्मी का टेस्ट देने चले जाना। तो अभी शाम ने मेरी सलाह थोड़ा टीवी देख लिया। पहुँच चुका था यार मैं ASRC सेंटर, ठीक है। लेकिन यह सीन हुआ कि मेरा यूनी का पेपर भी था और आर्मी का भी था, तो जिसकी वजह से मैं हो गया था लेट। ऊपर से ऊपर वाले ने शवल ये मारी है कि लंबे रूट से चला गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से हो गया हूँ मैं लेट। अब आर्मी वाले मुझे बोला कि आप सुबह आओ। अब मैंने तो आज चला जाना था वापस। अब देखें अब मैं क्या करता हूँ। अब आज मैं घर जाता हूँ और सुबह फिर आता हूँ कि फिर नेक्स्ट कोर्स पर डाल देता हूँ। ये अब पता लगेगा क्योंकि लाहौर तकरीबन मेरे घर से 110-120 किलोमीटर पड़ता है और मुझे आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। और तकरीबन जब मैं आता हूँ तो टाइम भी बहुत ज़्यादा मेरा कंज्यूम होता है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मेरे पकड़े हुए थे। अब बैठा हूँ इधर साइड पे। अभी मैं हम जा रहे हैं पैकेजेस मॉल, ठीक है। मेरे दोस्त आने वाले हैं तो मैंने कहा यार ASRC से पैकेजेस मॉल थोड़ी दूरी है तो मैं उधर ही वेट करता हूँ। आप लोग आ जाओ। मैं पुल के नीचे बैठा हूँ यार, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ईजी माहौल है फुल। आपको व्यू कराता हूँ थोड़ा लाहौर की रोडों का। ये देखें आप यहाँ से, ये मैं ब्रिज के नीचे बैठा हुआ हूँ। इस तरफ अगर आप सारा देख लेते हो तो ये रोड जा रही है, सारी रोड ऑल टू ऑल। ब्रिज भी साफ सुथरा है यार, मैं यकीन नहीं हो रहा। ये जिस माहौल हम पहुँच गए हैं, इधर कार पार्किंग है। बीन साहब आगे मेरे खड़े हुए हैं। वी आर मूविंग। दिस इज बिग मॉल। मैं बनना में ये पैकेजेस मार के इधर वहां शूटिंग करना लाओ चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूं। मैं खाने ला रहा हूं। अभी मैं आ गया हूं बाहर। तो अब मैंने यार सुबह का कुछ नहीं खाया, आर्मी का टेस्ट भी नहीं हुआ। अंसला मैं अपने वाले वीरावला से क्या मैं आप लगा वो निकलते हैं रास्ते। सेल्फी के लिए उधर उतरे हैं, तस्वीरें वगैरह खींच रहे हैं। पीछे चेक करें छांगा मांगा, पता नहीं अब छांगा मांगा क्या सीन है, पीछे चेक करें। ओए 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 बहुत हैवी सीन है यार, ऊपर से मौसम बहुत घुमा। बात करें अब तो यार मैं आ चुका हूँ घर, ठीक है, और घर आके नींद से मेरी आंखें भरी हुई हैं। आप देख सकते हो 2 दिन फुल एंजॉय किया हमने, ठीक है, और 2-2 घंटे तकरीबन हम सोए हैं, ठीक है, और फिरे हैं हम। पहले दिन अब मैं आपको थोड़ा सीन बताता हूँ। पहले दिन हम फिरे थे बादशाह मस्जिद वगैरह, वो मैं आपने मेरा अगर ब्लॉग देखा तो आपको पता होगा। उसके बाद दूसरे दिन भी हम फिरे हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ना दूसरे दिन मेरे 2 एग्ज़ाम थे, एक यूनी का था और एक मेरा आर्मी का था। आर्मी का आपको पता है मैंने नहीं देख पाया, मैं आर्मी का एग्ज़ाम तो अब देखते हैं मैं कल देता हूँ कि नहीं, मैं जाता हूँ कि नहीं, क्योंकि इधर से 3 घंटे का सफ़र है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है मैं कल जाता हूँ कि नहीं तो फिर नेक्स्ट कोर्स पर डाल दूँगा, ठीक है, यानी कि 6 महीनों बाद नेक्स्ट कोर्स आता है उस पर डाल दूँगा। और अब बात यहाँ पर कर लें कि फिरने की, तो यार फिरे हैं, अच्छा इंजॉय किया है, और दोस्त के घर स्टे किया था, आपको बताया भी है। और हमने क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा बस मीनार पाकिस्तान में गया था, उसका भी मैंने आपको शूट दिखाया था। उसके बाद बादशाह मस्जिद, उसके बाद यार मोटरवे से मैं पहली दफ़ा गया था और मैं इतना इंप्रेस हुआ हूँ यार, मोटरवे से बेहतरीन बनी हुई थी, कमाल की मोटरवे बनी हुई थी। हमने उधर यार इतनी स्नैप्स, इतनी वीडियोज़, हमने स्नैपचैट तो मैं चलाता नहीं सच्चे, यानी कि हमने व्हाट्सएप के स्टेटस वहाँ से मैंने इतने निकाले, मैंने बनाए तो तस्वीरें भी इतनी खींची, मैंने छोटे छोटे शूट ऐड किए। तो यार आखिर में आपको उम्मीद है आपको ये मेरा 2 दिन का ट्रिप अगर आपको पसंद आया यार, थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, तो यार इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, तो सपोर्ट करना, इस तरह ही अपनी सपोर्ट करते रहना। मैं कोशिश करूँगा इस पर ज़्यादा वीडियोज़ लाया करूँ और ज़्यादा वीडियोज़ लाया करूँगा। मेरा कल पेपर है, 20 को पेपर है, इसके बाद महीना फारिग हूँ, तो जैसे डेली ब्लॉगिंग होती है उस तरह की मैं लाइफ गुजारूँगा, जो अंदर सीन होगा वो आपको दिखाएंगे आगे। और फिर यार यहाँ पे करते हैं एंड ब्लॉग, तो ब्लॉग अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।